हर छोटी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट की पहुंच लोगों तक बनाने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है, लेकिन कई बार इन विज्ञापनों में ऐसी चीजें भी दिखा दी जाती हैं जो या तो लोगों की भावनाओं को आहत करती है या फिर सेक्सुअलिटी और वल्गैरिटी की वजह से इन्हें फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल विज्ञापनों पर डालते हैं एक नज़र, जिन्हें किसी न किसी वजह से टीवी पर बैन कर दिया गया है। मैन फोर्स कॉन्डोम। सनी लियोनी पर फिल्माए गए इस एड का देश भर में विरोध हुआ था। कई पॉलिटिशियंस और समाज सेवी संस्थाओं का कहना था कि सनी का ये एड देश में रेप की घटनाओं को बढ़ावा देगा। विवाद बढ़ने के बाद इसे बैन कर दिया गया था। ड्यूरेक्स कॉन्डोम। इस एड में रणवीर सिंह और एक मॉडल के बीच काफी बोल्ड सीन थे, इसीलिए इसके टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई। कैलिडा। इस एड में एक्टर दीनू मौर्या एक्ट्रेस बिपाशा बसु की पैंटी को अपने दांतों से खींचते हुए दिखाई देते हैं। कई महिला संगठनों द्वारा विरोध के बाद एड पर बैन लगा दिया गया। टफ शू। इस विज्ञापन में सुपर मॉडल मिलिंद सोमन और मधु सप्रे टफ शू पहने दिखते हैं। इन दोनों ने जूतों के अलावा और कुछ नहीं पहना और अजगर को अपने गले से लपेटा हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अजगर के गलत इस्तेमाल के चलते इस एड को बैन कर दिया गया था। अमूल माचो। ये तो बड़ा टॉइंग है। इस स्लोगन वाले इस एड में एक महिला को अपने पति की अंडरवेयर धोते हुए दिखाया गया है। विज्ञापन को वल्गैरिटी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट होने के कारण बैन कर दिया गया। कामसूत्र कॉन्डम। पूजा बेदी और मार्क रॉबिन्सन झरने के बीच कॉन्डम को मोस्ट सेंसेशनल सेक्स एसेसरीज के रूप में दिखाते हैं। एड को पहले दूरदर्शन पर बैन किया गया, बाद में बाकी जगह भी ये बैन हो गया था। वाइल्ड स्टोन डियो। विज्ञापन में दुर्गा पूजा के दौरान कैसे एक बंगाली महिला किसी आदमी पर फिदा हो जाती है, उस शख्स के डियो के कारण ये महिला उसके साथ सेक्स करती है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इस एड को बैन कर दिया गया। सेट वेट्स अटैक। पुरुष द्वारा डियोड्रेंट लगाए जाने के बाद महिला उससे नजदीकियां बना लेती है, गलत मैसेज बताते हुए इस एड को बैन कर दिया गया। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।